प्यारे बच्चों देखिए, आप तो हम तरुआ फल नहीं खा थे इतना तक कल बता चुके थे। अब आगे देखिए, रहमन बिपता हो भली जो थोड़े दिन हो, ही तो नहीं दिया जगत में जान पड़ा सब को। बिपता मतलब विपत्ति, भली है माने अच्छी है थोड़े दिन के लिए, ही तो नहीं, हित माने अपना भलाई चाहने वाला, अनहित माने जो बुराई चाहता है, जान पड़त सबको। रहीम दास जी कहते हैं कि थोड़े दिन के लिए अगर विपत्ति आ जाती है तो वो भली है, अच्छी है। क्यों अच्छी है? इसलिए अच्छी है, हित अनहित या जगत, इस जगत में कौन अपना है, कौन पराया है, कौन मेरी भलाई चाहता है, कौन नहीं चाहता है, ये सब हमको विपत्ति के समय ही पता चलता है कि हमारा सच्चा मित्र कौन है। ऐसे तो हमारे सभी मित्र बन जाएंगे, जब हम खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे, मेरे पास धन संपत्ति रहेगा तो मेरे 10 चाहने वाले रहेंगे, 10 मेरे मित्र कहलाएंगे, साथ घूमने वाले। लेकिन अगर मेरे ऊपर मुसीबत पड़ गया, संकट आ गया, उस समय मेरी जो भी भलाई करता है वही मेरा सच्चा मित्र कहलाता है। अब आगे देखिए, कह रही संपत सके बनत बहुबरी, विपत कसौटी जे कसे सोई साँचे मीत। पहले वाले में था कि मतलब अपना कौन हित ऐसी है, कौन हमारा बुरा देखने वाला है वही मतलब मेरा कौन शत्रु है, कौन मित्र है। दूसरे वाले में फिर है कह रहीम संपत सगी, रहीम दास जी कहते हैं कि अपनी अपनी संपत्ति बहुत प्रयास करने पर बनती है। जैसे विपत कसौटी जे कसे, विपत्ति रूपी कसौटी, यहाँ पे रूपक अलंकार है, विपत्त रूपी कसौटी पर जो खरा उतरता है वही सच्चा मित्र कहलाता है। मुसीबत पे जो भी काम आता है वही मेरा सच्चा मित्र है, और ये बहुत प्रयास से बनता है। जैसे अपनी सगी संपत्ति बहुत प्रयास करने के बाद बनती है, उसी तरह ये सच्चा मित्र भी बहुत प्रयास के बाद मिलता है, वही सगा मित्र है जो कि विपत्ति के कसौटी पर खरा उतरता है। कसौटी आप जानते होंगे जिसपे लोहा सोना घिस के देखा जाता है कि ये सही है कि गलत है, वही कसौटी। तो विपत रूपी कसौटी, जैसे सोना की कसौटी कसौटी पे घिसने पे खराब मिलता है, उसी तरह विपत रूपी कसौटी पर मित्र को देखा जाता है, परखा जाता है, उसकी परख की जाती है कि सच्चा मित्र कौन है। जो सहायता करता वही सच्चा मित्र होता है। एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, रहमन भूले सीच सीच वो भूले भले सदा। अब रहीम दास जी का कहना है एक ही उद्देश्य को अपना लक्ष्य करना चाहिए, एक उद्देश्य पर चलने पर हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर हम चार तरफ ध्यान लगाते हैं, हम ये भी कर लें, वो भी कर लें, वो भी कर लें, तो उसमें क्या होता है, मेरा दिमाग चारों तरफ बढ़ जाता है, किसी एक लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती। इसलिए हमें किसी एक ही उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक लक्ष्य की तरफ ही ध्यान देना चाहिए, उससे हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है बारी बारी। रहमन मूलय सींचिए, रहीम दास जी कहते हैं जैसे कि मूल को सींचने के, जड़ को सींचने से क्या होता है, फूल फल फूल मिलता है, और फूल से फिर फल मिलता है, और सब फूलते फलते हैं और लगाते हैं, हमारे खाते हैं, संतुष्ट होते हैं। तो उसी तरह से अगर हम किसी एक उद्देश्य को पूरा कर लेंगे तो वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा, फिर दूसरे लक्ष्य को पूरा करेंगे, तीसरे, तो इस तरह हमें सब प्राप्ति हो जाएगा। लेकिन अगर मेरा चार तरफ ध्यान पड़ता है तो हम किसी तरफ के नहीं होंगे, कोई भी लक्ष्य मेरा पूर्ण नहीं होगा। विद्या दान उद्यम बिना कौन जो पावे कौन, बिना डुलावे ना मिले जो पंखा कुमार। अब विद्या और धन, बिना उद्यम माने परिश्रम, विद्या और धन दोनों चीज बिना उद्यम परिश्रम के नहीं मिलने वाला है, नहीं मिलता है। कैसे? बिना डुलावे ना मिले, जिस प्रकार कि जो पंखा को पवन, पवन माने पवन, पंखा बिना डुलाए, अगर हाथ से हम पंखा को डुलाएंगे नहीं तो हमें हवा नहीं मिलेगा, या इलेक्ट्रिक पंखा ही जब हम चालू करेंगे तभी वो पंखा चलेगा। तो हमने प्रयास किया ना, परिश्रम किया, पंखा बटन दबाया तो वो चालू हुआ। तो वही कहना है कि बिना डुलाए ना मिले जो पंखा को कौन, जिस प्रकार की बिना पंखा को हाथ को डुलाए, पंखा को डुलाए हवा नहीं मिलता, उसी तरह से बिना परिश्रम के ना हमें धन की प्राप्ति होती है और ना विद्या की प्राप्ति होती है। ये आपके ये सब नीति परक दोहे हैं,
आपकी नीत की बात है, इसको आपको समझना चाहिए, परखना चाहिए। और ये वास्तविक सत्य है ना कि विद्या जब आप पढ़ेंगे, परिश्रम करेंगे, तभी जितना परिश्रम करेंगे उतना ही आपके पास आएगा। अगर आप परिश्रम नहीं करेंगे, अरे होगा हमारा नहीं, कल आज नहीं कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ेंगे, किताब में लिखा ही तो है, पढ़ना ही तो है, नहीं। उसको एक ही चीज़ को आप बार बार प्रयास करिए, बार बार करते रहेंगे तो आपके मन में बैठ जाएगा और कभी नहीं भूलेगा। अब आगे देखिए, सबय सहायक सबल के को निबल सहाय पवन जगावा ताक को दीपाई दे बुझाए। अब रहीम दास जी का कहना है कि सबय सहायक सबल जो बलयुक्त है, जो मजबूत है, शक्तिशाली है, उसकी सब सहायता करते हैं। कौन निबल सहायक, और निर्बल की सहायता कोई नहीं करता है। पवन जगाओ ताक को, जिस प्रकार की आग को पवन, हवा चल के आग को और तेज कर देता है। पवन जो है, हवा जो है, आग अगर जलता रहता है तो उसको हवा चल के क्या करता है, और तेज कर देता है। दीप दे बुझाए, जबकि दीप का हमें आवश्यकता होता है, दीप से मुझे प्रकाश मिलता है, उसको वो बुझा देता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें निबल की सहायता करनी चाहिए, ना कि सबल की। इस तरह से ये आपका भावार्थ आज पूरा हुआ। अब कल हम आपको प्रश्नोत्तर और आगे अभ्यास का बताएंगे।